हेलो माय डियर फ्रेंड्स आई एम रोशनी एंड आई एम बैक विद अनदर टॉपिक ऑन वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस व्हिच आर यूज्ड रॉन्गली ओके तो आज हम लोग जानेंगे कि वर्ब्स और प्रपोजिशंस जो इंग्लिश में यूज़ होते हैं उसको हम लोग गलत तरीके से कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है दी कॉमन मिस्टेक्स विद वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस इन इंग्लिश एंड हाउ टू रेक्टिफाई दोज we are going to learn this today in this video okay so first of all let me tell you we are dealing with grammar topics please go through all one by one so that you will have a good hold over grammar and you will be confident while speaking English okay in this video I will tell you there are three steps by which we use verbs and prepositions in a wrong way first of all

अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे ओके okay? तो जैसा मैं जैसा मैंने यहाँ पे टाइटल में लिखा कॉमन मिस्टेक्स विथ वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस तो वर्ब्स क्या है वर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो एक्शन डिनोट करते हैं वो वर्ड जो क्रिया या फिर काम को दिखाते हैं उसको कहते हैं वर्ब्स ओके नेक्स्ट प्रेपोजिशन प्रेपोजिशंस के एग्जांपल्स में दे रही हूँ इन ऑन एट बिफोर आफ्टर विथ ओके टू ये सभी है प्रेपोजिशंस तो हम लोग इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं ओके okay, प्रेपोजिशन जब वर्ब के साथ में है राइट right? तो मैंने बताया जब हम लोग ऐड करते हैं जहाँ पे की ज़रूरत नहीं है जब हम लोग माइनस करते हैं मतलब हटा देते हैं प्रपोजिशन को जहाँ पे कि इट्स डीम नेटी ठीक है जहाँ पे बहुत ज़रूरत है वहाँ पे हटा देते हैं तभी वो सेंटेंस गलत हो जाता है नेक्स्ट रोंग प्रपोजिशन यूज करके हम लोग पूरा सेंटेंस को गलत कर देते हैं तो यही तीनों चीज़ को हम लोग हाईलाइट करेंगे इस वीडियो में ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ओके सो फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू चेक हाउ मच वी नो अबाउट वर्ब्स विथ प्रेपोजिशन ओके आई हैव रिटन टेन सेंटेंसेस हियर एंड ऑल दीज टेन सेंटेंसेस आर इन करेक्ट ओके देअ प्रेपोजिशन इज नॉट करेक्ट और देर इज़ स मिस्टेक इन देंटेंस यू हैव टू हाईलाइट इट और राइट सो लेट मी रीड आउट वन बाई वन एंड लेट मी आस्क यू वेदर यू आर एबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक और नॉट यहाँ पे दस लाइन मैंने लिखा है वो सभी के सभी रॉन्ग है राइट right? उसमें प्रपोजिशन यूज़ नहीं हुआ सही तरीके से तो मैं चाहती हूँ कि आप वो मिस्टेक को लोकेट करें ताकि मैं उसके बारे में ग्रामर के रूल्स को बता के ये पॉइंट जो है वो मैं क्लियर कर सकूँ ठीक है तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों के सामने सेंटेंस को लाती हूँ फ्रेंड्स लेट मी रीड आउट ऑल द टेन सेंटेंसेस सो दैट यू कैन गो थ्रू इट यू कैन लिसन टू इट एंड देन यू कैन एनालाइज वेर इज़ द मिस्टेक ओके सो द फर्स्ट लाइन इज आई कॉल्ड टू माई टीचर आई कॉल्ड टू माई टीचर वेर इज द मिस्टेक प्लीज़ ट्राई टू लोकेट फ्रेंड्स नंबर टू we are waiting his arrival okay where's the mistake please write down in your copy number three they reached to an agreement where's the mistake find out she is listening this song she is listening this song number five did you contact the manager did you contact the manager number five number six we discussed about the project. We discussed about the project. Number seven, I'm arriving to London tomorrow. I'm arriving to London tomorrow. Number eight, have you answered to their question? Have you answered to their question? Number eight, number nine, did he tell you something? Did he tell to you something? Let me rectify did he tell to you something okay number 10 which is the last one we went in bus we went in bus so in all these lines okay in all these ten lines there is a mistake all the sentences are not correct at all so let me tell you one by one now so in number 1 i called to my teacher what is the mistake here we have added preposition which is not required okay we just say i called my teacher i called my mother i called my friend okay so after verb called we don't use any preposition okay

कोई और पर्सन हो सकता है लेकिन अगर आपको ये रूल पता है कि कॉल्ड के बाद में हम लोगों को टू नहीं लगाना है तो आप कुछ हद तक अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो वो कॉल्ड जब आता है ओके okay, वहाँ पे टू यूज करने की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम लोग इसको रिमूव करते हैं ओके नंबर टू लेट्स मूव टू नंबर टू वी आर वेटिंग his arrival what is the mistake here here we have to add the preposition we here we have deleted okay because it was not required so here we are waiting his arrival we have to write we are waiting for his arrival okay we have to add preposition here this sentence did not have preposition therefore it was wrong so now we have to add for to make it correct okay let's move to the third one next number number 3 they reached to an agreement they reached to an agreement what is wrong here we don't use to that is preposition in this sentence we just say when there is verb reached we say directly the conclusion of the sentence that is they reached an agreement okay they reached an agreement we don't use to i hope it's clear they reached an agreement next is number 4 she is listening this song this is very important line because we keep on hearing the word listening frequently but we don't use correctly in maximum cases we don't say she is listening the music or listen the music we just say we say she is listening to the music when verb listen comes we have to add preposition to okay listening to she is listening to the music whenever there is listen we have to add to i am listening to my mother i listen to my mother i listen to song listening to song is my hobby okay listening to song listening to song removes my pain listening to song listening to the song removes my pain okay so in this way you have to use the verb listen all right let's move to the next number did you contact to the manager here the verb is contact so what is the mistake in preposition preposition is to so here the mistake is that we have added extra preposition okay we have added Preposition which is not required. Did you contact the manager? That will be enough. Okay. Did you contact the manager? Okay. Let's move to the next number. That is number six. Number six. We discussed the project. What is the error here? Here, the error is preposition. After the verb discuss, we don't need about. Okay, we just say we discussed the project. We discussed the project. Okay, so because we have added about here, the sentence has gone wrong. Let's move to number seven. So the next sentence is I'm arriving to London tomorrow. I'm arriving to London tomorrow. What is the mistake here? Here we have to use preposition but. The word, the preposition we have used is wrong. Instead of to, we have to write in. Okay? We say, I'm arriving in London tomorrow. See, we use different prepositions with the verb arrive. Arrive at, arrive in. Okay? So, here, when we are saying exact place, say for example, I'm arriving at Hotel Taj. At that time, we use at. But, when the area is bigger at that time we have to use in okay where in london we are not telling the exact word we cannot see exact place out here it's london and london is a big city isn't it therefore we use in okay we say in delhi in india but at chandni chowk market okay at so and so place when we are giving exact location, specific location, then we use at arrive at. But when the area is broader and there is no particular place mentioned, at that time you we use in preposition. Therefore, here the preposition has been used, but that is incorrect. Instead of to, we have to use in. Okay. So this is frequently used word again but in maximum cases they use it wrongly. but i say learn correct lines so that you don't waste your time in rectifying it later on. okay. be among the people who speaks good english, correct english, which will improve your english in one go. you don't have to waste your time for rectification of your wrong english. all right. so let's move to number eight. i hope i'm able to make myself clear. Till number seven. Next sentence is Have you answered to their question? So here we have to take out preposition. Have you answered their question? This is correct. After answer, we don't use any preposition. Okay. Have you answered their question? This is correct sentence. Okay. So we have to take out preposition from this line. Okay let's move to the next one Did he tell to you something Did he tell to you something Here also we have to take out preposition Did he tell you something This is correct Did he tell you something Let's see the last one We went in bus What is the mistake here The preposition we have to use preposition out here but the preposition which is used is wrong we say we went by bus we have to use preposition by okay we went by bus and uh, there is only one exception when we see when we say we walked at that time we say we walked on our sure. there is only one exception when we वॉकड ओके okay? जब हम लोग अपने पैरों से कहीं चल के जाते हैं एट दैट टाइम वी यूज़ प्रेपोजिशन ऑन ऑन फुट ठीक है इसका मतलब है पैदल चल के जाना राइट तो चलिए सबको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा यह दस सेंटेंसेस में फर्स्ट हम लोगों ने रिमूव किया टू को ठीक है यहाँ पर प्रेपोजिशन को हटाया वी आर वेटिंग फॉर हिज अरावल यहाँ पे फॉर हम लोगों ने ऐड किया दे रीच्ड टू को हटाया दे रीच्ड एड अग्रीमेंट शी इज लिसनिंग टू द सॉन्ग तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया टू प्रपोजिशन डिड यू कॉन्टैक्ट टू द मैनेजर टू को हटाया यहाँ से जो कि प्रपोजिशन है वी से डिड यू कॉन्टेक्ट द मैनेजर डिरेक्टली ओके वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट वी डिस्कस द प्रोजेक्ट ओके okay, यहाँ से रिमूव किया हम लोगों ने प्रपोजिशन को आई एम अराइविंग यहाँ पे करेक्ट किया हम लोगों ने प्रपोजिशन आई एम अराइविंग इन लंदन टमोरो आई एम अराइविंग इन लंडन टुमारो है क्वेश्चन हैव यू आंसर्ड द क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने प्रपोजिशन को रिमूव किया डिड ही टेल टू यू समथिंग यहाँ पे भी हम लोगों ने प्रपोजिशन टू को रिमूव किया ओके okay, क्योंकि हम लोग टेल के बाद में जो बात है वो बता देते हैं वी वेंट इन बस तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो है ये तो एक्सेप्शन है वॉक के लिए ठीक है जब हम लोग पैदल से चल के जाते हैं तब हम लोग बोलते हैं वॉक वी वॉकड ऑन फूड लेकिन जब हम लोग किसी व्हीकल से जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे बाई बस बाई ट्रेन बाई एरोप्ल एक्सेट्रा ठीक है तो आई होप यहाँ पर जो टेन सेंटेंसेस थे उससे आप लोगों को कुछ आइडिया मिला होगा वर्व के साथ में कैसे प्रपोजिशन को यूज़ करना है अब चलते हैं हम लोग कुछ बाकी के रूल्स के साथ चलिए फ्रेंड्स कुछ रूल्स को देख लेते हैं जो कि हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं और मैक्सिमम uh, लोग इसको रॉन्ग तरीके से यूज करते हैं और वही ट्रेंड जो है वो आगे के जनरेशन को पास ऑन हो रहा है उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना है वी हैव टू बी वेरी कॉशियस और जो ग्रामर के रूल्स हैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके ही हम लोग बोलेंगे ओके okay? क्योंकि जो हम लोग बोलेंगे वो हमारे बच्चे भी सीखेंगे और वो गलत बोलेंगे तो उनके फ्रेंड्स गलत बोलेंगे है ना तो ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग करेक्ट बोलें ताकि आसपास के लोग भी वही सीखें ठीक है ओके लेसन ये जो वर्ब है उसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे लेसन टू टू को हमेशा यूज़ करना है लेसन वर्ब के साथ आई लेसन टू द टीचर आई लिसन टू द लेक्चर और लेक्चर आई लिसन टू दॉन्ग ओके इसको ऐसे नहीं बोलना है आई लिसन द टीचर आई लिसन द लेक्चर आई लिसन दॉन्ग ये नहीं बोलना है। आपको टू यूज करना है आई लेसन टू द टीचर द लेक्चर दिस सॉन्ग ओके नेक्स्ट वेट के साथ में फॉर को कैसे यूज़ करेंगे हम देखते हैं वेटेड फॉर हर रिस्पॉन्स किसी के जवाब का आपने वेट कर किया आई वेटेड फॉर सम परसन रामू यहाँ पर मैंने नाम लिखा है आपने किसी इंसान के लिए वेट किया आई वेटिड फॉर हिम फॉर सो लॉन्ग ओके आई वेटेड फॉर रामू फॉर सो लॉन्ग आई वेटिड फॉर अ कॉल किसी ने कहा था कि कॉल करूँगा और मैं उसका वेट कर रही हूँ तो देन आई ऑल से आई वेटिड फॉर ओके ये नहीं बोलेंगे आई वेटेड द कॉल आई वेटड फॉर द कॉल ओके तो फॉर प्रिपोजिशन यूज़ करना है वेट वर्ब के साथ नेक्स्ट आई at, एट आई अराइव एट द एयरपोर्ट आई अराइव एट cafe, कैफे आई अराइव the park, ओके okay? और अराइव इन कब यूज़ करेंगे जब हम लोगों का एरिया बड़ा हो मैंने बोला था आपको एरिया बड़ा हो और वो स्पेसिफिक जगह को नहीं बताता हो तब हम लोग बोलेंगे इन सो so here आई arrived इन डेली आई arrived इन इंडिया ओके बट आई arrived एट द टेलीफोन बूथ आई अराइव्ड एट दी होटल ओके आई अराइव्ड एट माई होम तो ऐसे यूज़ करें आपको नेक्स्ट आई वेंट बाई ट्रेन टैक्सी आई वेंट बाई ट्रेन आई वेंट बाई टैक्सी यहाँ पर जो लास्ट में मैंने एक्सेप्शन बोला था वो एक्सेप्शन यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है वो है जब हम लोग चल के जाते हैं आई वेंट ऑन फूड जब हम लोग चल के जाते हैं तो क्या बोलेंगे आई वेंट ऑन फूड ठीक है तो यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस है वो मैंने करेक्टली लिखा है आप इसको याद कर लीजिए ओके सो आई हैव नॉट रिटन थ्री लाइन्स मैंने तीन तीन लाइन नहीं लिखा है आपको ऐसे समझना है कि आई लिसन टू टीचर लेक्चरर सॉन्ग इसी के तरीके से आपको बाक़ी भी याद करना है इतना भी याद कर लेंगे तो आप लोगों का कुछ हद तक मिस्टेक कम हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वो वर्ब्स यूज़ किए जिनके साथ प्रपोजिशन यूज़ करना अनिवार्य है बहुत ही ज़रूरी है अब मैं वो आपको कुछ वर्ड्स दिखा रही हूँ जिसमें प्रपोजिशन का ज़रूरत नहीं होता है ठीक है सिर्फ वर्ड से ही आपका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा तो चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार ओके फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वो वर्ड्स यूज़ किए हैं जहाँ जिसको प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है ओके okay? तो हम लोग कहते हैं आई कॉल्ड माई कलीग्स कलीग्स का मतलब वो है जो हम लोगों के साथ में काम करते हैं ओके okay? एक ही इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उनको बोलते हैं कलीग्स सो आई कॉल्ड माई कलीग्स आई कॉल्ड द ऑफिस आई कॉल्ड द कस्टमर केयर सर्विस ओके सो यहाँ पे हम लोग प्रपोजिशन ज़रूरत नहीं समझते आई कॉल्ड माई कलीग्स आई कॉल्ड माई ऑफिस और आई कॉल ऑफिस, देन आई कॉल्ड कस्टमर केयर सर्विस और कस्टमर सर्विस सेंटर ओके तो इसके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करना है आई कॉल्ड टू आई कॉल्ड फॉर आई कॉल नहीं वो यूज़ नहीं करना है ओके आई रीच्ड होम सेफली आई रीच्ड दी सिक्योरिटी गार्ड आई रीच्ड होम सेफली मैं अच्छे से घर पहुंच गई आई रीच्ड दी सिक्योरिटी गार्ड इसका मतलब है रीच का डिफरेंट मीनिंग होता है ठीक है एक तो सेफली पहुंचना और दूसरा कम्युनिकेट करना ओके okay? तो यहाँ पे मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर पाई सिक्योरिटी गार्ड को ये मीनिंग कन्वे होता है आई रीच्ड सिक्योरिटी गार्ड ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड नेक्स्ट वर्व इज डिस्कस वी डोंट यूज एनी प्रपोजिशन विद द वर्ड डिस्कस विद द वर्व डिस्कस ओके आई डिस्कस्ड द प्रपोजल आई डिस्कस्ड डिस्कस्ट आई डिस्कस्ड पॉलिटिक्स We don't say I discussed about the proposal, I discussed about the offer, I discussed about the politics. That will be wrong. Okay. I discussed directly the proposal, their offer, and politics. Okay. Next, see that. Let's see the next. Next word is contacted. I contacted the client. We don't require any preposition here as well. I contacted the police. Okay, so no preposition required. We don't say I contacted to the client or to the police. I contacted will do, will convey the message. Okay, next I answered the inquiry. I answered the student. I answered the inquiry. Inquiry, it, it has another spelling as well. Inquiry. Okay, it starts with I also. One is British and one is American. Okay, meaning it's same. It is about some information, inquiry about some information. Okay. So I answered the inquiry, I answered the student. Okay. No preposition required here. So here we see we can answer to some query or we can answer to some person or people as well. Okay. Answer to some inquiry who required information and to person.

इसको कैसे यूज़ करना है जब हम लोग टेल को यूज़ करते हैं तो उसके साथ में कुछ आना चाहिए टेल समथिंग ओके टेल समथिंग आपको टेल ऐसे ही नहीं छोड़ देना है टेल कभी कभी हम लोग कैजुअली बोलते हैं टेल बोलो क्या बात है लिटरली जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो वी गो रॉन्ग मेनी टाइम्स ओके सिर्फ ये नहीं बोलना है कि जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं बोल ओके सिर्फ बोल नहीं बोलना है आपको आपको बोलना है टेल मी ओके बता मुझे ऐसे आपको यूज़ करना है टेल आई आई टोल्ड हिम टू कॉल मी लेटर ओके यहाँ पे क्या है टेल समथिंग आ रहा है ना साथ में तो ऐसे यूज़ करना है चलिए वो टॉपिक को साइड में रखते हैं यहाँ पे देखते हैं प्रेपोजिशन और वर्ब के साथ में कैसे आपको सेंटेंस करना है टोल्ड के बाद में हम लोगों को कहना है जो भी आपको कहना है प्रेपोजिशन का जरूरत नहीं है आई टोल्ड हिम टू कॉल मी लेटर आई टोल्ड देम टू कम ओवर सम टाइम कम ओवर का मतलब क्या है uh, अपने घर में बुलाना या फिर अपने जगह पे इनवाइट करना ओके कम ओवर सम डे कम ओवर टू माई प्लेस कम ओवर टू माई प्लेस फॉर पेइंग अ विजिट ओके तो ऐसे यूज़ करते हैं और प्रपोजिशन को अवॉइड करना है वेन वी यूज़ आई टोल्ड ओके तो आई होप ये सभी सेंटेंसेस करेक्ट हैं तो आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे सो so फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है आपको एक बार फिर से वीडियो देखना है ताकि आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो स्ट्रांग हो क्योंकि ग्रामर के जो भी टॉपिक्स हैं वो सिर्फ एक बार सुनने से करने से नहीं होता है आपको एक बार रिवाइज करना है आपको एक बार रिवाइज करना है उसके बाद अच्छे से उसको फॉलो करना है डे टू डे लाइफ में ताकि आप उस पर मास्टर कर सकें ठीक है तो मैं चाहती हूँ कि ऑल ऑफ यू डू वेल ऑल ऑफ़ यू स्पीक वेल ऑल ऑफ़ यू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश विशिंग यू ऑल ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी ओके टूवर्ड्स स्पोकन इंग्लिश आई साइन ऑफ एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू आवर वीडियोज़ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट यू ऑल आर बेनिफिटिंग एंड कीप कमेंटिंग कीप गिविंग अस योर व्यूज़ एंड सजेशंस सो दैट वी कैन इम्प्रूव इन आवर अपकमिंग वीडियोज़ ठीक है सजेशंस देते रहिए ताकि हम लोग उसी तरीके से अपने आप को अपग्रेड कर सकें और आपके आवश्यकता अनुसार बना सकें ओके तो यही कहते हुए मैं रोशनी साइन ऑफ़ करती हूँ आज के सेशन से